हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 6 पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमने देखो यहाँ से लिखा है, नीचे से ऊपर तरफ है, तो यहाँ से लगाते जाएंगे क्योंकि इससे ऊपर जाने के क्वेश्चन क्या होंगे, थोड़े से लॉन्ग होंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर क्लिक करते हैं। क्वेश्चन है कि 299 रुपये को 1/2:2:2:3:4 के अनुपात में 2:3 है, 1:2:2:3:4 के अनुपात में बांटिए। ठीक, तो जब भी हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, यानी टोटल हमारे पास जो रुपया है कितना बाबू, 299 रुपया है ना, इसको हमें इस अनुपात में बांटना है। जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 काम करने जा रहा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 1/2:2:3:4 का सरलीकरण करेंगे, जो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 1 में बताया। ये सब चीज़ें मैंने सिखा रखी है आपको, कैसे किया था यहाँ पे भी देख लिया। सबसे पहले देखो, ये अंश होता है, हर होता है, तो हर में क्या 2, 3, 4 इनका एलसीएम निकालेंगे। किसका, 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, का एलसीएम निकालोगे तो गुणा किया जाएगा ना इसी का, तो आ जाएगा 2:3:4, कितना आ जाएगा वो, कितना आ जाएगा एलसीएम निकाला जाएगा तो कैसे हो जाएगा, देखो आप यहाँ पे 2:3:4 ऐसे करेंगे, 2 ये कटेगा, 2 2 जा, अब एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, 2 × 1 × 3 × 2 यानी 12 आएगा। सब लोग जानते हैं 12 आएगा, फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसे निकाला जाता। ठीक, अब क्या करिए, इसके दोनों तरफ क्या करिए, 12 का यहाँ मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 12 का जब मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 12/2:2:2:12:3। वहाँ ऐसे यहाँ पर लिखना चाहिए तो 1:2 लिखा जाएगा। ठीक, 3×12/4 समझ आ रहा है। अब देखो, 2 × 2 2×6 होता है, 3×3 4 होता है, 4×4 3 होता है, इसको लिखेंगे तो आ जाएगा 6:2 8:2 कितना आ जाएगा, 9। ये हमने क्या कर लिया, सिंप्लीफिकेशन कर लिया, क्या कर लिया, सिंप्लीफिकेशन कर लिया इसका। ठीक, अब देखो 299 रुपया टोटल है, क्या इसका अनुपाती योग किया जाए कितना आ जाएगा, 8 7 8 8 9 17 17 6 23 23 यूनिट होगी टोटल। अरे भाई 8 9 17 होता है, 17 6 23, तो अब जो 23 यूनिट आएगी वो 299 के बराबर लिखा जाएगा, यानी 23 यूनिट बराबर 299। ओके, एक यूनिट बराबर क्या होगा, 299/23। ठीक, कितना हो जाएगा, तो अगर डिवाइड करोगे आप 23 से 299 में, एक बार जाएगा घटाएंगे 6 आएगा, 9 और 23 2 46 23 69, ये आपका कट गया, यानी आपका कितना आ गया, 13। तो एक यूनिट बराबर कितना आ गया, 13 रुपये, एक यूनिट बराबर 13 रुपये। बताना क्या है, अलग अलग बताना है, किसमें बांटना है, कि अनुपात में बांटना है, एक इतना इतने के अनुपात में बांटना है। अगर हम इसको हम ए मतलब क्या बोलते हैं, a:b:c मान लें तो ए को कितना मिलेगा, 6 × 13 13 6 78 रुपया। ऐसे बी को देखोगे तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 8 यूनिट, तो 8 × 13 13 6 78 83 81 8 24 रहेगा, 13 8 4 होता है। ठीक, ऐसे सी को अगर देखा जाएगा तो 9 यूनिट है, 9 × 13
13 × 9 = 117 रुपया, यानी आपको 78 रुपया 104 रुपया और कितना हो जाएगा दोस्त, ये जो आपको लिखा होगा। ठीक, ये समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में शायद आ गया होगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन मिटा देते हैं, देखो ये मिटा दिया आपको पहला क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर दो आपको जब करोगे जो वो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन क्या है? 1040 को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि 2a = 3b = 400। पूरा पैसा कितना हमारा है? 1040 रुपये। इतने रुपए को हमें क्या करना है? ए बी सी में बांटना है। किसमें किसमें बांटना है? ए बी सी में, तीन लोग हैं, ए बी सी में बांटना है। एक रिलेशन दिया है यहाँ पे, तो यहीं से सॉल्व करना शुरू करेंगे। कितना है? 2a = 3b = 4c। हमने बाबू इसके बारे में सिंप्लीफिकेशन आपको पार्ट 1 में जो है रेशियो को पढ़ाया है, ठीक है, तो आप उसे भी देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसको जब निकालेंगे आप, सबके बराबर k माना जाएगा। ठीक, तो 2a = k, तो a = k/2। ऐसे 3b = k, तो b = k/3। 4c = k, तो c = k/4। तो जब आप लिखोगे a:b:c, तो आएगा कुछ इस तरह से आपका 1/2:1/3:1/4। ये सब चीज़ें हमने पार्ट 1 में बहुत मतलब आराम से आपको सिखाई है, तो वहाँ से आप देख लीजिए। ठीक, अब इसको आप एलसीएम देखो, अब फिर आपको ऐसे होगा तब फिर सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। अब फिर डायरेक्ट करते हैं, जो इसके पहले हमने बताया था, आप बाजार रहो 12 से आप गुणा करोगे, तो यहाँ पे 2 है तो 12 यहाँ पर रहेगा, तो कहा जाएगा 6:2, यहाँ पर हो जाएगा 4:2, यहाँ पर हो जाएगा 3। रेशियो मिलती है। ठीक, अच्छा, अब इस रेशियो का हम अनुपाती योग अगर करें तो देखो कितना, 6 × 4 = 10 × 3 = 13 ठीक, और 13 यूनिट ही इसके बराबर हो, तो टोटल पैसा इतना है, 13×9 = 13, 13×9 = 104 है, 90 रुपया। तो 1 यूनिट कितने बराबर आ गए लोग? 90 रुपया के। ठीक, तो बताओ आप यहाँ से a का भाग कितना है? देखो 6 यूनिट 6×90 = 9, 6×4=540 रुपया। b की बात करोगे तो 4 यूनिट बन रहा है, 4×90 हो जाएगा 360 रुपया। ठीक, ऐसे सी की बात करोगे तो 3 यूनिट 3×90 270 रुपया उसको मिलेगा। पास समझ में आएंगे शायद आपको। ठीक, इस तरह से हम क्या करते हैं, रुपए को कैसे बांटा जाता है, इस बात को हमने आपको बताया। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी मिटा देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा आता है क्या, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या देखिए, अगर किसी बर्तन में यम को मतलब मिल्क समझना, डब्लू को मतलब वाटर मतलब पानी, दूध और पानी का जो अनुपात है 3:5 क्या है? 5 है, 3:5 है। ठीक है, और अगर 20 लीटर दूध मिलाने पर यह अनुपात 1:1 हो जाता है, यह अनुपात 1:1 हो जाता है, तो पानी की मात्रा बताना है, पानी की मात्रा बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसेप्ट सीखते हैं। क्या है कंसेप्ट, इस बात को समझिए, कंसेप्ट सीखते हैं। और कंसेप्ट सीखने के लिए हमें वाटर लेते हैं। ठीक है, चलिए समझिए, ये समझिए, इसमें देखिए पानी भी है, वैसे वैसे नील इसमें, लेकिन आप समझिए दूध, समझिए दूध क्या नीला होगा। ओके, तो इसमें पानी भी होगा और प्लस दूध भी होगा, ध्यान दीजिएगा, पानी होगा और दूध होगा। ठीक, तो उसका कुछ ना कुछ अनुपात होगा ना, इसका अनुपात मान लीजिए मिल्क और वाटर है, इसलिए आपका ऐसे हो गया, है ना, इसमें मान लीजिए भरा हुआ है, समझिए ये कंसेप्ट है, बहुत समझिए, सिर्फ सवाल लगता है वरना लगेगा ही नहीं, सवाल लगा ही तो ये बता दे रहे हैं। ठीक, अब समझिएगा, अगर मान लीजिए सपोज है इसके अंदर, ठीक, दूध और पानी का जो अनुपात है
वो क्या है 2:3 है। सपोज ऐड करें ध्यान दीजिएगा 2:3 क्या है इसका मतलब, यानी मिल्क और वाटर का जो रेशियो मैं बता रहा हूँ इसके अंदर कितना है 2:3। इसका मतलब क्या है, मतलब समझिए पहले। मतलब इसका ये है कि अगर दूध इसमें क्या है, अगर मैं मानता हूँ कि 2 लीटर है तो पानी कितना होगा 3 लीटर होगा। दूध अगर यहाँ पे 2 लीटर है तो पानी कितना होगा 3 लीटर होगा। इसका मतलब है 2:3 का मतलब। या इस तरह से समझिए कि दूध अगर इसके अंदर 2 ml है, मिलीलीटर है, तो पानी जो क्या 3 मिलीलीटर। बाद में समझ में तब भी आपका 2:3 ही आएगा। बाद में समझ में आ रही। चलिए ऐसे ही मान लीजिए आपका, मान लीजिए दूध जो इसके अंदर है 2 किलोलीटर है, ठीक, और पानी इसमें कितना होगा 3 किलोलीटर मान लो, 3 किलोलीटर है। असल इसका मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं बोलना ये चाहता हूँ कि इसकी जो यूनिट है दोनों की सेम है, होनी चाहिए। अब समझिएगा, तो अगर हम कहें कि इसमें हम पानी मिला दें, मान लीजिए हम इसमें मिला देते हैं 10 लीटर पानी, ध्यान दीजिए, और इसमें हमने क्या किया मान लो 10 लीटर पानी मिला दिया, तो आप बताओ मिला क्या रहे हैं, पानी ना, इसमें मिला क्या रहे हैं 10 लीटर हम पानी मिला रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं, तो दूध का जो अनुपात है, ध्यान दीजिएगा, दूध का जो अनुपात है यानी 2 है तो 2 ही रहेगा। क्या बोला, दूध का जो अनुपात है 2 है तो 2 ही रहेगा, चाहे अब इसमें 10 लीटर ना या 1000 लीटर पानी मिला दो अगर इसमें, ठीक, दूध का जो अनुपात है वो क्या होगा, वही होगा। बात भी समझ में आ रही है, कहने का मतलब समझ में आया, मतलब इसमें अगर हम मान लो सपोज डेट ये आपका 0.5 लीटर दूध है, जिसमें हमने कहा कि इसमें दूध और पानी का अनुपात तो 2:3। अब इसमें हमने क्या किया 20 लीटर पानी मिला दिया, तो दूध का जो रेशियो है वो तो सेम रहेगा, 2 ही रहेगा, लेकिन अमाउंट बढ़ जाएगा। आप कहोगे सर ये इसमें तब नहीं हटेगा, बड़ा सा ड्रम होगा उसमें पूरा हटाना पड़ेगा, हाँ उसमें होगा, अमाउंट बढ़ जाएगा। तब किसका अमाउंट बढ़ेगा, दूध और पानी का अमाउंट बढ़ जाएगा, जब पानी मिलाओगे तब इसमें बढ़ जाएगा, यानी दूध एकदम पतला हो जाएगा, यही कहना चाहते हो, लेकिन उसका रेशियो 2:2 ही रहेगा। हाँ इसका रेशियो बदल जाएगा क्योंकि पानी मिला जा रहा। बात नहीं समझ में, ऐसे ऐसे ही समझिएगा, अगर इसमें मान लीजिए 2:3 के अनुपात में आपका ये आपका मिल्क और वाटर है ना, और इसमें हमने क्या किया अब दूध मिला दिया, क्या किया 10 लीटर मान लो मिल्क मिला दिया, अब जब मिल्क मिलाओगे दूध मिलाओगे तो दूध जो पानी का रेशियो होगा वो वही रहेगा, पानी जो रहेगा 3 ml का जो रेशियो 3 दिखा रहा वो वही होना चाहिए। मतलब ये आपका देख ही रहे हो 0.5 लीटर होगा 2:3 का। अब इसमें और दूध मिला दें, तो जब दूध हम मिलाएंगे इसमें तो पानी जो है आपका 2:3 का मतलब अमाउंट तो बढ़ जाएगा, अमाउंट 10 लीटर बढ़ाओगे बहुत ज़्यादा बड़े बर्तन हो जाएगा, लेकिन जो 3 लीटर पानी है आपका वही रहेगा। मेरी बात समझ में आएगी नहीं है, समझ में आएगी। दूध और देखो अब ये मत कहना दूध का मतलब हम पानी सब मिला रहे हैं उसमें, पानी नहीं दूध की हम बात कर रहे हैं, पानी नहीं मिलाया जा रहा है इसमें, दूध मिलाया जा रहा है, समझ में आ गया। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे पानी आप मिलाओगे तो उसमें क्या बोलते हैं कि दूध की मात्रा समान हमें करनी पड़ेगी, अगर आप दूध मिला रहे हो तो हमें पानी की मात्रा समान करनी पड़ेगी, सवाल में यही कंसेप्ट होता है। आगे देखते हैं, ठीक, ध्यान दीजिए, ये सवाल है आपका, ठीक, लगाते हैं इस सवाल को। सॉल्यूशन नंबर 3, यहाँ मिल्क हो गया बाबू, यहाँ पे क्या हो गया वाटर, ओके। अब देखो दूध और पानी का जो अनुपात बर्तन में कितना है 3:5, 3:5 हमने कर दिया, ये पहले था पानी का अनुपात, पहले ठीक, पहले ही था, ठीक। अच्छा अब क्या कहा कि 20 लीटर दूध मिला दिया जाता है, 20 लीटर दूध मिला दिया गया, अब बताओ जब 20 लीटर दूध मिलाया जाएगा
तो पानी तो वही रहेगा, पानी तो बदल नहीं रहा क्योंकि तो मिलाया जा रहा दूध इसमें, तो इसको हम पांच के लिए भी अभी चेंज करेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तब इसमें कह रहा है कि यह अनुपात एक अनुपात एक हो जाता है, कितना हो जाता है एक अनुपात एक, यह अनुपात हो गया एक अनुपात एक। कब? जब इसमें आपने 20 लीटर दूध मिलाया। लेकिन अभी हमने कहा है कि भैया देखो, अब देखो यहाँ यहाँ पांच पांच यूनिट है, यहाँ पे एक यूनिट हो गया, पानी तो हमें सेम करना पड़ेगा क्योंकि मिलाया आप दूध, तो आप यहाँ पांच है तो इसलिए आप पूरा इसमें क्या करोगे, यहाँ भी पांच का गुणा कर लोगे और यहाँ भी पांच का गुणा करोगे। बात नहीं समझ में आ रही? देखो हमने पांच का गुणा किया, यहाँ भी पांच का और यहाँ भी, तो बताइए यहाँ पांच का गुणा होती है पांच, रेशियो आपका पांच ऐसे हो जाएगी। देखो पानी को हमने सेम करे, पांच यहाँ भी है और पांच ही आपको यहाँ पे भी, ठीक। अब देखिए अब यहाँ देखो आपका दूध पहले तीन यूनिट था, अब कितना हो गया पांच यूनिट हो गया, कितने का अंतर हुआ आपका, प्लस टू हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई पांच दो, तीन में जब दो जुड़े तभी तो पांच होगा, यानी दो यूनिट जो हुई वो बराबर कितने को गई आपकी 20 लीटर के, तो बताओ एक यूनिट कितने बराबर होगी 10 लीटर के, क्या 10 लीटर के। असल में तो पानी की मात्रा पूछ रहा है, तो पानी की मात्रा कितना पांच यूनिट थी, तो पांच यूनिट बराबर बताओ क्या हो जाएगा, पांच गुणे 10 लीटर यानी 50 लीटर हो जाएगी, 50 लीटर हो जाएगी। अब आपके मन में आएगा कि सर ये सवाल हम सही लगाए हैं गलत लगाए, तो हम प्रूव करके दिखाते हैं। आप देखिए ध्यान से, अब अगर हम आपसे पूछें कि पहले दूध की मात्रा कितना थी, तो आप कहोगे सर पहले दूध की मात्रा आपका कितना थी 30 लीटर थी। देखो भाई 10 पाँच नहीं पाँच यूनिट बराबर आया, 10 लीटर आया नहीं यूनिट बराबर, तो 30 लीटर रही होगी पहले और पानी की मात्रा भी 50 लीटर रही होगी, यही तो आप मुझे बताइए कि अब 20 लीटर अगर दूध और मिला दिया जाएगा तो 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 लीटर हो जाएगा, और पानी भी 50 लीटर है क्योंकि 50 लीटर है, देखो पहले 50 लीटर था बाद में भी 50 लीटर है, तो 50 बटे 50 लीटर हो जाएगा, 1:1 नहीं हो जाएगा दूध और पानी का अनुपात, यानी दोनों बराबर मात्रा में हो जाएंगे। बात नहीं समझ में आ गई नहीं आ गई? चलिए बहुत अच्छी बात, आपको समझ में आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं मिटाते हैं, ठीक कंसेप्ट भी समझा दिए सवाल। अब अगर हम बात करते हैं इस सवाल की, क्वेश्चन नंबर 4 की, तो लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 4। किसी बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है, 20 लीटर पानी मिलाने पे अनुपात 2:3 हो जाता है, तो दूध की मात्रा बताइए, दूध की मात्रा बताइए। देखो ध्यान से, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है, कितना दिया बाबू 4:5, ठीक ये दिया था। जब 20 लीटर पानी मिलाया जाता है, अब की बार क्या मिलाया गया पानी मिलाया गया है, पानी मिलाया दूध तो वही रहेगा ना, तो अनुपात कितना आ जाएगा 2:3, ये 2:3 कितना हो गया 3, ये पहले की बात है, ठीक ये अब की बात है। अब बताओ मिलाया क्या गया है पानी, देखो ध्यान से 20 लीटर पानी मिलाया गया तो दूध तो सेम होगा ना, लेकिन देखो पहले दूध 4 यूनिट था अब 2 यूनिट हो गया है, हमें बताओ 4 यूनिट ही तो यहाँ करना पड़ेगा, तो बताओ 4 यूनिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, जब 2 का गुणा किया जाएगा तब 4 होगा, तो इसमें भी 2 का गुणा किया जाए, रूल होता है अनुपात, बताओ ये कितना हो गया 4:6, यहाँ पे 6 हो गया, क्या मिला गया पानी। आप देखो यहाँ पहले 5 यूनिट था और यहाँ आप कितना हो गया 6 यूनिट, कितने का अंतर हुआ बाबू 1 यूनिट का प्लस 1 यूनिट, तो प्लस 1 यूनिट किसके बराबर होगा, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि 20 लीटर आपने पानी मिलाया, 1 यूनिट बराबर इतना हो गया, ठीक। अब आपको ये बताना हो कि पहले आपका दूध कितना था 4 यूनिट है आपका, तो इसमें अगर 4 का 1 यूनिट बराबर 20 लीटर है तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 80 लीटर दूध था, और पानी कोई पूछ दे तो 1 यूनिट बराबर 20 लीटर है तो 5 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 100 लीटर, बोलो होगा।
और 20 लीटर अगर हम क्या बोलते हैं कि पानी और मिला देते हैं, देखो 80 लीटर था ना ये, 80 लीटर और 20 लीटर और पानी मिला दिया गया है, तो बता 100 में 100, 120 हो जाएगा, काट दीजिए इसको, 4 दूनी 8, 4 3 12, देखो 2 रेशियो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताओ 2 रेशियो 1 आया कि नहीं आया, इससे आपका सवाल क्या होगा, इसका मतलब सवाल आपने सही लगाया है। तो पानी की मात्रा कितनी होगी आप बताओगे, यहाँ पे कितना लीटर बीच में पानी है, वो दूध की मात्रा कितना, दूध की मात्रा है 80 लीटर, कितना है 80 लीटर, बोलो। चलिए सवाल समझ में आया होगा, ये भी हम बताते हैं, कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, हमने बहुत अस्थायी और बड़े आराम से समझाने का प्रयास किया है। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगर सॉल्व करते हो, ठीक, अब यहाँ दिया किसी बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है, यदि मिश्रण की कुल मात्रा 270 लीटर है, कितना है 270 लीटर है, तो कितना लीटर पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात कितना हो जाए बाबू, 2:3 हो जाए, 2:3 हो जाए, ध्यान से देखिए, मिल्क और वाटर लिखेंगे, ठीक, पहले अनुपात कितना था, देखो 4:5, 4:5 हमने 5 लिख लिया, ठीक, और जब कहे कितना लीटर पानी मिलाया जाए, क्या मिलाया जा रहा, पानी याद रखिएगा, क्या मिलाया जा रहा, पानी, तो दूध की मात्रा सेम रहेगी, तो ये अनुपात 2:3 हो जाए कह रहा है, ठीक। अच्छा ये पहले की बात है, ये कब की बात है, अब की बात है। अच्छा मिलाया क्या गया बताया, पानी तो दूध का मात्रा सेम है, तो पहले 4 यूनिट था दूध, अब 2 यूनिट है, दूध की मात्रा सेम रहेगी, हाँ पानी की मात्रा यहाँ 5 यूनिट है, 3 यूनिट है, तो पानी मिलाया जाएगा तो 3 यूनिट थोड़ी होते बढ़ने चाहिए, देखा जाए, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरा टोटल में, तो इसमें 2 का करेंगे, इसमें भी 2 का करेंगे, ये आपका 4:6 क्या हो जाएगा, 6, देखो बढ़ गया नहीं कर गया, अब यहाँ भी 4 देखो है और यहाँ भी 4 हो गया, क्योंकि दूध की मात्रा सेम रखनी क्योंकि पानी मिलाया गया। अच्छा यहाँ से अगर देखोगे तो कितना टोटल होगा, +1 यूनिट, 1 यूनिट होगा। अब ध्यान दीजिएगा जो क्वेश्चन में दिया गया है कि मिश्रण की कुल मात्रा 270 लीटर, जब दूध और पानी 4 यूनिट और 5 यूनिट था तो इसका पूरा टोटल कितना हो जाएगा, 9 यूनिट होगा, तो 9 यूनिट बराबर 270 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा बताओ आपका, ये 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 30 लीटर। अरे भाई 9 4 4 यूनिट और 5 यूनिट जोड़ोगे तभी तो आपका 270 के बराबर होगा, 1 यूनिट बराबर 30 लीटर, तो पानी की मात्रा कितनी होगी, पानी की मात्रा कितनी मिलाई जाएगी बताओ, 30 लीटर तो मिलाई जाएगी, ठीक। आप कहोगे सर सिद्ध करके दिखाइए, आओ इसका मतलब पहले दूध दूध कितना होगा ये निकाल लो, 30 लीटर है तो 120 लीटर क्या होगा, दूध होगा, और पानी कितना होगा, 150 लीटर पानी होगा, ठीक। अब बताइए आप मुझे, तो 120 और 170 जोड़ोगे तो 120 और 150 जोड़ोगे तो 70 आएगा नहीं आएगा, इससे भी सिद्ध हो जा रहा है। दूसरी चीज़ क्या, अगर ऐसे नहीं समझ में आता, ऐसे नहीं करना चाहते हो, तो 120 में 120 दूध का है, 120 ये हो गया रेशियो, अब 150 ये था और इसमें 30 लीटर मिलाओगे तो 180 होगा, नहीं होगा, ये 0 0 कट गए, 0 0 से कट गया, 30 लीटर अलग मिला गया था ना, 80 हो, सही तो, ठीक। अब देखो आपका 3 चौके 12, 120 था ना, सही तो 30, 1 यूनिट 30 हाँ सही, आपका यहाँ से 1 यूनिट, ये बोलो इतना, ये गुणा किया करेंगे आप 120, इसमें आपका 150, अगर 30 आप जोड़ोगे 150 180 हो जाएगा, कट जाएगा तो 3 6 18, जो काटोगे तो 2:3 आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, 2:3, इस तरह से सवाल आपका ये समझा जाता है, सवाल समझ में आ रहा होगा सर, ठीक। चलिए
अगला देखते हैं, इसको मिटाते हैं। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, सवाल सारे लग जाते हैं। ये बहुत कठिन कठिन सवाल होते हैं, उसको भी कराएंगे। अभी भी शुरुआत किया है दूध और पानी, ऐसे तांबे और उसका मिक्सचर होता है उसको भी लगाया जाता है। ठीक, अब देखो इसको मिक्सचर वाली गैसन से भी लगाया जाता है, लेकिन इससे आपको लगाना भी सिखा रहा है। अब देखो सवाल ये है, सवाल क्या बाबू कि किन्हीं दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 5:5 नंबर 5:6 किया जा रहा। 5:4 कितना है? 4 है। यहाँ पर मिल्क लिख लिया, यहाँ पे वाटर, यानी 5:4 एक बर्तन में था। ध्यान दीजिएगा दो बर्तन का है, मान लीजिए एक बर्तन ये है, ठीक, एक बर्तन है आपका ये, है ना। इस बर्तन में आपका 5:4 था पहले वाले बर्तन में, ये पहला बर्तन, ठीक। अच्छा दूसरा जो बर्तन है उसमें कितना है? 1:2, यानी इस वाले बर्तन में क्या है? 1:2। कह रहा इन्हें 1:2 के अनुपात में निकाल कर एक और बर्तन है, ठीक, ये तीसरा बर्तन है, इसमें मिलाया जाता है। किस अनुपात में? 1:2 के अनुपात में। मतलब इसमें से अगर 1 लीटर निकाला जा रहा है दूध, तो इसमें से 2 लीटर निकाला जा रहा है, और 1 लीटर इसमें मिला जा रहा है, यहाँ का 2 लीटर भी इसे मिला दिया जा रहा है। तो पूछ रहा है कि इस वाले बर्तन में तीसरा जो बर्तन है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? हाँ चलो, अब देखो कैसे लगाते हैं इसमें। इसका 5 और 4 है, कितना होता है? 9 होगा। 5 और 4 जोड़ोगे तो कितना होगा? जोड़ने में 9 होगा, 9 यूनिट आएगी। अच्छा इसका अगर जोड़ोगे तो कितना होगा बताओ? 1 और 2 मिलकर कितना आ जाएगा? 3 यूनिट हो जाएगी, होगी। ध्यान दीजिएगा, बताओ हुआ। अब देखो क्या करना है, अब क्या कितना निकालना है? 1, अब इसमें से 1 लीटर निकाला आपने, तो इसलिए इसमें क्या करेंगे? 1 का गुणा कर देंगे। कितने का? 1 का गुणा। जब यहाँ पे 1 का गुणा होगा, 1 का गुणा यहाँ पे भी होगा, 1 का गुणा यहाँ पे भी होगा, ठीक। अच्छा सबसे पहले क्या करोगे, समझो यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा गलत हो रहा है, क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे, जब यहाँ से और यहाँ की बातें किया गया है, तो इनका क्या करोगे, इनको इनका जो अनुपात है रेशियो बनाओगे, सेम बनाओगे। तो इसके लिए एलसीएम लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? एलसीएम। 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा बताओ? 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा? कहोगे सर 9 और 3 का एलसीएम जो होगा वो 9 होगा, होगा ना। तो बताओ इसमें अगर हम 3 का गुणा कर दें 3 में, तो उसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। देखो ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, तो 9 और 9 का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। तो सबसे पहले प्रयास किया जाता है इनका जो रेशियो बनाया जाए 1:1 किया जाए। तो हमने ऐसा बराबर कर लिया, देखो 9 यूनिट ए भी है, अब 9 यूनिट ए भी हो जाएगा, हो गया यहाँ पे, हुआ एलसीएम कर लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब देखो यहाँ से इसमें से 1 लीटर निकालना है, इस वाले से 1 और इसमें से 2 लीटर समझो निकाला जा रहा है। तो इसमें 1 का गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा कहाँ कहाँ होगा? यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ होगा। अब इस वाले में क्या किया जाएगा, तो 2 का गुणा कर दिया जाएगा। 2 का गुणा जब किया जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 और 3 का गुणा कर 6 होगा, यानी पूरा टोटल में 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो बात में समझ में, यहाँ देखो ये वाला 1 था, 1 का गुणा इसलिए सब में किया, यहाँ पे 3 × 2 करना पड़ा, क्योंकि 3 × 6 का गुणा करना पड़ा। यहाँ पर लिखोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 5, यहाँ कितना हो जाएगा? ये 4, यहाँ कितना हो जाएगा? 6:2, यहाँ पर हो जाएगा 12, समझे। अब देखो तो अब अगर मिल्क और वाटर का करो, देखो यहाँ पे क्या 5 है और यहाँ पे 6 है, 6 × 5 कितना होता है? 11 होता है, 11:2। यहाँ पे 4 और यहाँ पर 12 है, कितना हो जाएगा? 16। तो आपका जो तीसरा बर्तन ये वाला है, इसमें जो रेशियो आएगी मिल्क और वाटर की कितना आ जाएगी? 11:16 आ जाएगी। बात समझ में? इसी तरह से तांबे का मिक्सचर वाला जो क्वेश्चन सब लगाए जाते हैं, ठीक। तो और क्वेश्चन आपको कराएंगे, क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, बड़े क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।